ये अफरा तफरी दिल्ली से सिर्फ करीब 25 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के मसूरी इलाके में मची हुई है। एक बार फिर एक निर्माणाधीन इमारत मौत का मलबा बनकर गिर पड़ी। दोपहर 1 से 1.5 बजे के बीच गाजियाबाद के मसूरी इलाके की आकाश कॉलोनी में हर तरफ चीख पुकार मच गई। जो मलबा आपको दिख रहा है वो एक 5 मंजिला बिल्डिंग थी जो पूरी तरह बनकर तैयार थी और फिनिशिंग का काम चल रहा था। रविवार की दोपहर एक 5 मंजिला इमारत भर भरा कर बह गई। आप देख सकते हैं हादसे की जगह का नजारा, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है मलबे में तब्दील हो गई है। 5 मंजिला ये बिल्डिंग थी जिसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 4 मंजिला इमारत बनी थी, और जो पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी तरीके से ढह गई है। आप देख सकते हैं जो NDRF के कर्मचारी हैं, जो सिविल अथॉरिटी है और जो लोकल पुलिस है, वो यहाँ पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त बिल्डिंग गिरी उसमें 13 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक भरभराकर बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ी। आरोप है कि बिल्डिंग में दरार आ गई थी। इसकी शिकायत मजदूरों ने बिल्डर से भी की थी, लेकिन जबरन उनसे काम कराया जा रहा था। अचानक नहीं, सुबह से वो कॉलम पड़ रहे थे। हम लोग ने बोला कि इसमें दरार पड़ रही, कहीं और कमरा हमरा देख लो अपन लोग, तो बोल रहे वो जो मालिक लोग के वो उनसी रहते ना, बोल रहे कुछ नहीं होने वाला है यहीं पर रहो तुम। तो हम लोग काम पे नहीं गए सुबह से, आया तो काम पे लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब बिल्डिंग में दरार थी, फिर मजदूरों की जान जोखिम में क्यों डाली गई? खैरी प्रथम दृष्टिया अवैध निर्माण है और GDA क्या ही एरिया है शायद ये, इसीलिए मैंने कहा ये सब चीजें जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी और जो भी दोषी होगा उस पे कार्रवाई की जाएगी। ABP न्यूज को जानकारी मिली है कि ये बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई गई थी। अभी तक ये पता चला है कि प्रसेनजीत गौतम नाम के शख्स की जमीन थी, जिस पर मनोज गोयल नाम का बिल्डर बिल्डिंग बना रहा था। अभी तक ये दोनों फरार हैं। पुलिस इनके परिवार वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सिर्फ 5 दिन पहले की ही बात है, ग्रेटर नोएडा के शहबेरी में बिल्डिंग गिरी थी और 9 लोगों की जान चली गई थी। शहबेरी में अवैध बिल्डिंग कैसे बनी, कौन गुनहगार है, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं कि अब गाजियाबाद में बिल्डिंग गिर गई। सरकार की ओर से 2 लाख रुपए के मुआवजे का मरहम लगा दिया गया है, लेकिन एक बार फिर सवाल वही के वही है। सवाल ये है कि बिना इजाजत के 5 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन पाई? बिल्डिंग गिरने से मौत का जिम्मेदार कौन है? घटना के बाद नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। गाजियाबाद के सांसद VK सिंह भी मौके पर पहुंचे। इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और हमने प्रशासन को हिदायत दी है जो इसमें गलती पाई गई, चाहे बिल्डर हो चाहे फाइनेंशियल हो जो भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी की तरफ से अनुदान राशि बता दी गई है। इस बार भी वही हुआ है जो शाहबेरी में बिल्डिंग गिरने के बाद हुआ था। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर कोई बिल्डिंग न गिरे और किसी की जान न जाए, क्या इसकी कोई गारंटी लेगा या फिर जान की कीमत कुछ भी नहीं? गाजियाबाद से विपिन तोमर के साथ जावेद मंसूरी, वरुण जैन और रविकांत की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।